हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आज आप खाना बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी सब्जी बन गई है। मैंने सब्जी बनाई है आलू फ्राइज़ की बनाई है मैंने सब्जी, जो पतले पतले कट कट के जो बनाते हैं वही मैं बनाई हूँ। और बट क्या हुआ है, लेकिन जो वो वीडियो थी वो मेरे से डिलीट हो गई, सॉरी डियर। तो उसकी रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर कर दूँगी। और अभी यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और मैं खाना बनाने के लिए, और उसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों के कल के वीडियो पे जो इतने प्यारे कमेंट आए उसके लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करना भूल जाते हो, शेयर कर देना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत बड़ी बात बतानी है कि इस तरह से आप कभी भी फंस सकते हो किसी की भी बातों में आकर, क्योंकि इंसान मतलब कितना गिर सकता है ये आज आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और पूरा वीडियो वॉच करना, मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाई हूँ, तो आप लोग पूरी वॉच करना। मुझे ज़रूरी लगा कि मैंने सोचा, पहले तो मेरा मन किया चलो छोड़ो जाने दो बात, लेकिन फिर मेरे रात में ये आया कि अगर मैं इस तरह से इस चीज़ को ईज़िली ले लूँगी तो ये चीज़ किसी और के साथ भी हो सकती है, फिर परसों किसी और के साथ हो सकती है। क्योंकि हम लोग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और नहीं अगर हम लोग कुछ करते हैं तो भी हम लोगों की प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दे रही हूँ, लेट नहीं करूँगी, क्योंकि कल के मतलब बात तो एक दो दिन की है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, और मतलब कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। तो मैं आपको बता दे रही हूँ क्या बात थी, वो आपको एंड में पता चल जाएगा। तो मैं आपका रिप्लाई वगैरह भी नहीं कर पा रही थी, आप लोगों के क्वेश्चंस का और आंसर का और कमेंट का भी नहीं कर पा रही थी, और अभी भी मैंने रिप्लाई नहीं करा है। एक्चुअली मैं क्या था, अब रात में मैं बैठी तो मैंने वीडियोज़ देखी, लेकिन मेरा मन भी हुआ कि मैं लाओ कॉमेंट के रिप्लाई कर दूँ, बट इतना टेंशन थोड़ा सा माइंड में था कि मैं नहीं कर पाई। और मुझे लगा कि ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ शेयर, क्योंकि बहुत से लोग इससे बच सकते हैं, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। अगर आप लोगों ने ये बात नहीं, मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी ना, तो आप लोग बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो इस बात को लेकर। तो प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करना। और यहाँ पर मेरा आटा लग गया है और मैं खाना बना रही हूँ। मैं पराठे बना कर रख दूँगी, मुझे ना इवनिंग में ना कहीं जाना है बाहर, वो तो आपको पता चल ही जाएगा कहाँ जाना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो गई है। शॉर्ट आउट क्या, उसको मैंने एकदम शॉर्ट आउट ही कर दिया है। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी उस बात को, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ऐसी चीज़ों से आप लोग कैसे बच सकते हो, और यहाँ पर हम लोगों की क्या गलती होती है। क्योंकि हम लोगों के अगर नहीं करें तो भी प्रॉब्लम, करें तो भी प्रॉब्लम। इसीलिए कोई भी सोशल मीडिया पर अपना रियल पता और रियल ये सब कुछ नहीं बताता है। और हम लोग ब्लॉगर हैं तो हम लोगों भी अपना इतना ये चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि एक बार मैंने अपना जो था ना, मैंने बोला था मीट एंड ग्रीट रखूँगी तो घर पर रखूँगी, तो मेरी प्यारी सी फैमिली मेम्बर ने मेरे को इंस्टा पर बोला कि दीदी घर पर मत रखना, आप सोशल मीडिया पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने हाँ ये बात सही बोल रही है, तो थैंक यू डियर जो आपने मुझे ये बात बताई। मैंने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं, मैं एकदम दिल की साफ़ हूँ, जो बात होती है वही बोल देती हूँ ना। मेरे मन में ये रहता है इंसान सामने वाला मेरे को प्रॉब्लम दे सकता है, तो यही मेरे साथ हुआ है। तो बस अब मैं खाना बना लूँगी और फिर मैं आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, वो भी करूँगी। और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना के रख दूँगी, थोड़ी सी बना दूँगी, और थोड़ी सी हस्बैंड आ जाएंगे उनके लिए तब बना दूँगी, अभी तो मैं थोड़ी सी बना के रख दूँगी। और देखिए कैमरा कितना फोकस अनफोकस कर रहा है, कभी जूम कर रहा है कभी कम हो रहा है, क्योंकि मेरा हम लोगों का ये कैमरा नहीं है, फ़ोन है ना, तो हम फ़ोन से वीडियो शूट वगैरह सब कुछ फ़ोन से ही करते हैं, इस वजह से कभी कभी ये सिस्टम हो ही जाता है। और बस अब मैं खाना बना के रख दूँगी और आप लोगों को पूरी वीडियो वॉच करना। और देखिए कैमरा कभी जूम कर रहा है, कभी पास आ रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना, ये अपने आप से करने लगता है। मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चल रही है, लाइटिंग की वजह से भी कभी कभी ये कैमरा करने लगते हैं। तो
चलिए फिर, मेरा यहाँ पर खाना मैं इतना ही बनाऊँगी और उसके बाद मैं बस अपने लिए खाना सर्व कर लूँगी। और हस्बैंड जब आ जाएंगे दोपहर में खाना खाने, थोड़ी देर में फ़ोन किया था तो बोल रहे थे थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़े कस्टमर हैं। और उनका कोई एक कमेंट आया था, दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का खुद का कोई पर्सनल काम नहीं है, वो ना मेरे ससुर की दुकान पर ही काम करते हैं, कोई भी खुद का उनका पर्सनल काम नहीं है, तो ससुर के साथ ही वो करते हैं, ससुर के साथ की दुकान पर ही वो बैठते हैं, क्या बैठते हैं, दुकान संभालते हैं। और यहाँ पर मैं मिर्च फ्राई कर रही हूँ, तो मैंने मिर्च के लिए तवे पे घी डाल दिया है और मिर्च को थोड़ा सा बीच से चीर लिया है और उसके ऊपर नमक डाल दिया है और उसे दबा दबा के मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत यमी बनती हैं ये मिर्चें, बहुत यमी बनती हैं। और ये एक रेसिपी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जल्दी करूँगी, अभी थोड़ा सा मेरे एक दो दिन से माइंड अपसेट सा था इसलिए नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं फुल फोकस करूँगी अपने काम पर, क्योंकि काम पर करना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत जो करी है मैंने इस चैनल को मोनेटाइज कराने में, यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत करी है, तो इसको तो ध्यान देना ही ज़रूरी है मुझे। और आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, चैनल को शेयर करा करिए ज़्यादा से ज़्यादा। 10K की फैमिली पूरी होने पर मैं आप लोगों को अपने साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी और अपनी एल्बम भी शेयर करूँगी, जो कि मैंने वादा करा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। गैस, मेरा लंच बन गया है और यहाँ पर मैंने जो आलू फ्राइज़ की सब्ज़ी बनाई थी उसमें मैंने दही डाल दिया है और वही मिर्च जो मैंने फ्राई करी थी वो मिर्च ली है और रोटी ली है। कई लोग बोलते हैं आप रोटी तोड़ के क्यों रखती हो, तो गैस हम लोगों के रोटी तोड़ के ही रखते हैं, आई डोंट नो क्यों रखते हैं, बट रखते हैं, तो मैं भी रख देती हूँ, बड़ों की फॉलो करती हूँ थोड़ी बहुत बातों को, करना भी चाहिए। तो चलिए कुछ बात करनी है वो कर लेती हूँ। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। जब भी मैं बात करती हूँ तो आपसे ज़रूर पूछती हूँ कैसे हो। और अभी समय हो रहा है 3 बजने वाले हैं और दिया चली गई है अपने मतलब दूसरे वाले घर पे। और एक्चुअली में मतलब देखो, बच्चे होते हैं ना, बच्चे के मन में कुछ नहीं होता, उन्हें ये मतलब नहीं होता हमारे साथ किसी, हमारे लिए क्या कौन क्या बोलता है उसे, इससे कोई मतलब नहीं होता। बच्चे सच में दिल के साफ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं दिल के साफ, मतलब कुछ भी। और इतने और दिया तो इतनी अच्छी है कि वो मेरे से कोई बात नहीं छुपाती और भगवान करे आगे भी वो नहीं छुपाए। पता है कल मैंने, अब आप लोगों को क्या छुपाऊँ, मैं आप लोगों को सारी बात शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो करूँगी अपनी पूरी यूट्यूब की जर्नी कि मेरे किसने साथ दिया, कब कब किसने मुझे डिमोटिवेट करा और कब कब मैं डिमोटिवेट हुई और किसने मेरी हेल्प करी और सब कुछ, मतलब सब कुछ शेयर करूँगी। कैसे कैसे मैं वीडियो बनाती थी बिना ट्राईपॉड के, मैंने कैसे वीडियो बनाई, कैसे चैनल स्टार्ट करा, किससे इंस्पायर हुई, सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो मेरी वीडियो को सभी को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि भूल जाती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। तो गाइज, यहाँ पर मैं कवर चढ़ा रही हूँ बुक पर। एक्चुअली मैं क्या था, उस दिन मैंने आधी बुक पर कवर चढ़ाए थे और आधी के रह गए थे, तो मैंने सोचा आधी के मैं भी कवर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बच्चे लोग जो होते हैं ना, वो जो बुक्स वगैरह होते हैं वो जल्दी मतलब ख़राब कर लेते हैं कवर वगैरह। और दिया तो आप लोगों को पता है कितनी अच्छी बच्ची है, वो तो बहुत संभाल कर रखती है चीज़, बट उसके पर कवर चढ़े ही नहीं थे तो क्या करती वो, उसे फिर बोल रही थी वो कि मम्मी मेरे बुक पर कवर चढ़ा दो, तो फिर मैंने कवर चढ़ा दिया उसकी बुक पर। और मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वो मुझे देख रही है खड़े होकर कि मैं क्या बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो
बस यहाँ पर मैं सारी बुकों पर कवर चढ़ा दूँगी। उसके ज़्यादा बुक तो नहीं थी, 3-4 ही बुक थी, बाकी सब पे मैं ऑलरेडी पहले ही चढ़ा चुकी थी बस। और दिया के मुझे कॉपी भी डेकोरेट करनी है, तो वो भी मुझे 1-2 दिन में करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मेरे मोस्टली कवर चढ़ गए हैं। और फिर मैं ड्राइंग की बुक तो दिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ड्राइंग की बुक पर तो वो पहले कवर चढ़ाने की बोल रही थी मेरे से, लेकिन वो रह गई बुक मेरे से एंड में चढ़ाने के लिए। लेकिन उसने अब तक, मतलब अभी उसकी बुक आई है जुलाई में, और जुलाई से अब तक उसने ड्राइंग की मोस्टली बुक भर चुकी है। पता नहीं क्यों उसे इतना पसंद है ड्राइंग। बच्चों को होता है कलर हो उसके हाथ में तो उसे बस ड्राइंग करनी है, ड्राइंग करनी है, बस ड्राइंग में ही उन्हें गोल्ड मेडल लाना होता है और किसी सब्जेक्ट में नहीं। ये बच्चों के साथ ही नहीं, ये मेरे साथ भी होता था। मुझे ड्राइंग और हिंदी की बुक इतनी पसंद थी और कोई बुक पसंद नहीं थी। और लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो पता चला हिंदी कितनी डिफ़िकल्ट है, इंग्लिश से ज़्यादा मुझे हिंदी डिफ़िकल्ट लगती है। क्योंकि शुद्ध जो हिंदी होती है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि आप लोग जब हम लोग क्या बोलते हैं कुछ IT या हिंदी वगैरह से करते, तब हमें पता चलती है कितनी डिफ़िकल्ट है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। वहाँ पर ID प्रूफ लगता है तब जाकर आपको पैसे कोई सेंड कर सकता है। और ये बोलती थी यही लड़की है जो कि मेरे हस्बैंड को खिलाफ भड़काती है, जो भी ये बोलती थी मैं सिर्फ सुन ही सकती थी, मैं इसके आगे क्या बोलूँ आप लोगों से। और मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने जब बोला तो मैंने इनसे बोला कि आपने कैसे ऐसे बिना ID प्रूफ के पैसे भेज दिए। और फिर इन्होंने वो मैसेज टाइप करे खुद से ही और खुद से ही लिख कर मेरे पास इन्होंने भेजे। तो मैंने बोला कि मुझे शक हो गया, तो मैंने इनसे बोला, मैंने ये वीडियो मैं कल YouTube पर डालने वाली हूँ। तो बोलती हैं कि तेरे जैसे काली, मतलब इंडियन काले होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, मैं NRI हूँ और मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ, तुम लोगों को फंसा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो सारी आप स्क्रीनशॉट भेज देख सकते हैं। ये बोल रही थी UK से पुलिस आएगी तुझे पकड़ के ले जाएगी कि तूने मेरी पिक्चर चुराई हैं। अब देख सकते हो ये पिक्चर प्रीति करके कुछ नाम है इसका, और पिक्चर देखिए खुद से इन्होंने भेजी हुई है। देखिए सच बोलना दीदी प्लीज़, मेरी कसम मैं कैसी लगती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे क्यों नहीं प्यार करते हैं। मैंने बोला नहीं सुंदर हूँ। और ये कई सारे बच्चों की पिक्चर भी भेजती थी मेरे पास, ये मेरे पहले पति के बच्चे हैं 3 और ये मेरी बच्ची है 3, यानी क्या बोलती थी मैं तो भूल भी गई, और ये मेरे हस्बैंड नहीं है मैं हूँ, कई सारी पिक्चर भेजती थी। शायद इन्होंने किसी फेसबुक से या कहीं से चुराई होंगी, खुद डाउनलोड कर ली होंगी, कई लोगों की डली रहती हैं एक ही ID से कई सारी पिक्चर्स डाउनलोड कर ली होंगी। और तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने लिखा हुआ है डियर मिसेस गाइस, जो बात थी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, जी हाँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे से इंस्टाग्राम पर, मेरे से क्या सभी यूट्यूबरों से सब लोग बहुत बात करते हैं, अगर नहीं बात करें तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम, मतलब बोलते हैं कि नहीं बात करी, बहुत घमंडी हैं ये हैं। तो गाइस हम लोग घमंडी नहीं हैं, लेकिन देखिए अगर मेरे से बात करता है कोई तो मैं रिप्लाई करती हूँ, तो उसका नतीजा मुझे क्या मिला है। ये एक मेरी मतलब YouTube सब्सक्राइबर थी, मैं यहाँ की मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया था, कमेंट भी करती थी। आई डोंट नो ये फेक है या रियल है, क्योंकि यहाँ पर किसी का कोई भी भरोसा नहीं हो सकता, कोई भी कैसी भी ID बना के आ सकता है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट पढ़िए कि ये मेरे से पहले बात करती थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, और मतलब कि अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम होती थी पर्सनल वो भी मुझे बताती थी। आप एक एक कमेंट इनका पढ़ना,
और मैं बोलती थी कि ओ कोई बात नहीं कि डियर सब ठीक हो जाएगा, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल भी क्या सकती हूँ, क्योंकि इससे क्योंकि जो भी सिचुएशन होती है वो हम लोगों के हाथ में ही होती है। तो देखिए मैंने क्या कहा इनको, ये बोलने लगे, मेरा गला दबा दिया, मेरी मम्मी ने ये कर दिया, ये सब मुझे बताती थी कि मैं मरने जा रही हूँ, और मेरे पास पिक्चर भी भेजती थी जो कि आपको दिख ही रही हैं, आगे आ रही हैं, मार अपने हाथ पर मारा है, आज मेरा गला दबा दिया, मुझे चैन से मारा, आज मेरी छुट्टी है तो रोज़ घर पर सफाई करती हूँ, मुझे दो दिन हो गया खाना नहीं खाया है, मैं अपनी फ्रेंड से बात ना करूँ, ये सब मतलब मेरे हस्बैंड बोलते हैं और मुझे मारते हैं, जैसे पहले अस्थि खिलती थी, ये सब मुझसे बोलती थी। मैं कहती थी हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं आपके हस्बैंड, आप उनकी बात मानो। तो देखिए मेरे हाथ में मारा है, चाकू से निशान देखे, गला दबाया मेरा, ये सारी पिक्चर वो मुझे भेजती थी, तो थोड़ा सा मेरा भी दिल होता था कि कितनी प्रॉब्लम है, तो मैं सिर्फ उनकी बात सुन लेती थी, कुछ नहीं था। बोलती थी दिया के लिए गिफ्ट भेजूँगी, तो मैं बोलती थी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी गिफ्ट का, ऐसा भी कल बहुत ज़्यादा मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मैंने किसने फाड़ दिए, वो मैं फिर बोल रही थी मेरे हस्बैंड मुझसे सॉरी बोल रहे हैं और फिर कहते थी मुझे मार रहे हैं। और उसके बाद मैंने कि ठीक है ऐसा सबकी, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से सब लोग बदनाम होते हैं ना, तो मैंने हाँ ऐसा होगा ठीक है मैंने बोला। फिर मेरे से बोलती हैं ये कि मैंने आपको 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करे हैं, और ट्रांसफ़र करे मैंने 25,000 रुपये, मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मैंने कि 25,000 रुपये कोई इंसान मुझे क्यों भेजेगा, सेकंड नंबर भेजेगा भी, मान लीजिए यूट्यूबर्स को कई लोग गिफ्ट भेजते हैं, से आप लोगों को पता है, एक कई दिन पहले एक यूट्यूबर को उनको पैसे भेजे थे और फ़ोन दिलाया था, मतलब कई सारे लोग होते हैं जो देते हैं ठीक है भेजते हैं, मैंने कि ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन बिना उन्होंने मेरे से ना तो मेरी आईडी प्रूफ मांगा ना मेरे से कुछ भी मांगा, और इन्होंने ऐसे पैसे मतलब बोल दी कि मैं पैसे भेजे हैं। और ये देखिए अपनी पिक्चर भेजती थी, कल की पिक है मेरे पास, ये दीदी मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे हस्बैंड का, मेरे हस्बैंड ने एक लड़की से बात करते हैं उसके भड़काने में आ जाते हैं, फिर वो मुझे मारते हैं, तो ये पिक्चर्स वो सेंड करती थी मेरे पास, मैं ज़्यादा नहीं बात कर पाती थी, आप लोगों को पता है मैं यूट्यूब पर बिज़ी रहती हूँ। और इन्होंने अपने पति की भी वीडियो ये देखी, फ़ोटो भेजी, ये मेरे हवी हैं देख सकते हो आप लोग, ये मेरे हवी हैं, मैंने ठीक है होंगे यार मैं क्या बोल सकती हूँ इस बारे में। और मुझे फीवर, फिर दर्द मारा, फिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोला टेंशन मत लो, ये सब बोलती थी। और मैंने ओ ओके मैं इससे ज़्यादा क्या, मैंने बाद में बात करती हूँ, बिज़ी हूँ यार। तो इंस्टा पर मेरे पास कई लोग मुझसे बात करते हैं, मोस्टली मैं चाहती हूँ सबका रिप्लाई करूँ, तो लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे रिप्लाई करने का नतीजा, मेरे से मुझे बात करने का नतीजा क्या मिला है ये देखिए। और बोलते 25,000 रुपये उन्होंने भेजे, तो मैंने बोला मुझे प्रूफ दो क्या भेजे, कैसे भेज दिए आप लोग खुद बताइए, मनीग्राम से अगर कोई पैसे भेजता है, वेस्टर्न यूनियन से भेजता है, तो वहाँ पर रिसीवर का प्रूफ देखिए, उन्होंने चोट के निशान के भी वीडियो मेरे पास फोटो भेजे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो कोई भी भेजता है ना तो उस वहाँ पर है ना आईडी प्रूफ लगता है, आईडी प्रूफ लगता है, और इन्होंने बिना आईडी प्रूफ के कैसे मुझे पैसे भेज दिए। मैंने जब इनसे आईडी प्रूफ मांगा तो बोल तो कहती हैं, और उन्होंने इतनी चालाकी दिखाई कि उन्होंने मैसेज में टाइप खुद से टाइप कर लिया कि देखिए ये 25,000 रुपये भेज रही हूँ मैं रिंगल को, और फिर मुझसे बोलते हैं कि रिंगल आपने पैसे निकाल लिए ठीक है, मुझसे बोलते पैसे निकाल लिए, जबकि आप लोगों को पता है मैं सिटी में नहीं रहती हूँ, सिटी में मनीग्राम होता है या गांव में या टाउन वगैरह में मनीग्राम वगैरह नहीं है, या इतनी बड़ी सिटी नहीं है, यहाँ पर मनीग्राम वेस्टर्न यूनियन हो यहाँ से बहुत दूर, 4-5 किलोमीटर, 2 से 3 या 4 घंटे लगते हैं पहुँचने के लिए। तो मैंने बोला मैंने निकाल दी, तो आपके पास कोई कंप्यूटराइज्ड वो होगा तो मुझे बताइए। तो फिर मैंने मनीग्राम वालों को कॉल करा, उनका मेरे पास नंबर था, सर्विस नंबर, तो मैंने बोला, तो बोल रहे ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम वहाँ पर आईडी प्रूफ लगता है तब देख सकते हैं कि ये कैसे इन्होंने मेरे पास खुद से मैसेज टाइप करे। और मैंने बोला कंप्यूटराइज्ड दो, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है वहाँ पर, वो दो, तो इन्होंने वो नहीं दिए हैं, और इन्होंने इसी तरह से लिखकर खुद से मुझे पागल बनाने के लिए दिया। देखिए रिंगल जैन 25 जर्मनी, ये वो आई हैव सेंड टू सिंसियरली कज़न, ये वो लिखकर इन्होंने मुझे सेंड कर दिए। तो ये पकड़ी गई तो ये खिसिया गई, मुझे कह रही है काली हो तो इंडियनों को तो हम यूँ ही चुटकी पर बेवकूफ़ बना लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो गाय
गाइस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ कोई भी यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, किसी पर जल्दी ट्रस्ट ना करें, चाहे वो कुछ भी कहे। और अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, आप लोग नंबर मांगते हो, मैं नंबर भी और एड्रेस वगैरह सब के लिए अब मैं एकदम अलर्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने जो धोखा खाया है मैं नहीं चाहती कोई और भी ये धोखा खाए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मेरे से क्वेश्चन मत करना, और आप लोग बताइए मुझे कि मुझे इसका क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। ये लड़की बोलती थी ये मेरे हस्बैंड को भड़काती है, तो डियर मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करना। अब मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और शायद ही आप लोगों के लिए अच्छी भी हो, क्योंकि आप लोग भी ऐसी लड़कियों से बच सकते हैं, ऐसे लोगों से बच सकते हैं। और मैं अब इंस्टा पर या किसी पर भी किसी का इतना रिप्लाई नहीं करूँगी, और क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा है अब किसी पर भी। ये लड़के को अपने हस्बैंड बताती हैं, और अभी मैं इनकी भी पिक्चर ये अपने आप को ये बताती हैं। तो गाइज़ आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, बहुत डरी हूँ इनकी धमकियों से, तो आई डोंट नो मैं क्या करूँ, ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ मेरी हेल्प करना, क्योंकि और अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी यही होंगी और यही होंगी।